पॉजिटिवली कैपेसिटिव सर्किट। और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मतलब यह है दैट थर्ड सर्किट आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट मीन्स सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। दैट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर्किट का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये सिंबल है अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का और इस वोल्टेज को अप्लाई किया हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस जिसका कैपेसिटेंस है सी। वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल वी, सपोज करंट फ्लो कर रही है इस इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल आई। तो अप्लाइड वोल्टेज इज गिवन बाय वी एम साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करती है। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू लिखें, इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू आई, दिस विल बी इज इक्वल टू सी इंटू वी। और दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करेंट, एक मिनट यहाँ पर छोटा सा एक चेंज कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस करेंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ सी इंटू स्मॉल वी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और करेंट इज इक्वल टू सी बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन वन में लिखी हुई है इसे आप यहाँ पुट कर लीजिए, वी एम साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओमेगा सी वी एम साइन ओमेगा टी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सॉरी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ओमेगा को पहले ही बाहर लिख लिया हमने, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब इस एक्सप्रेशन को साइनसोडल करंट के फॉर्म में लिखें, साइनसोडल फंक्शन एज अ लिखें, तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हाँ डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी करोगे तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी ही तो आएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया ना इसको, यहाँ ओमेगा पहले ही हमने बाहर लिख दिया था ना, डिफरेंशिएशन करते तो आता, तो हमने यहाँ ओमेगा पहले ही बाहर लिख दिया था, इस वजह से यहाँ जो हम लिखने जा रहे थे डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी उसको नहीं लिखा क्योंकि ओमेगा हमने बाहर कर दिया था, डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को आप एज अ साइनोसोडल
फंक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और इस इक्वेशन में एक और छोटा सा मॉडिफिकेशन करें और ओमेगा सी को अगर डिनोमिनेटर में ले आएँ तो हमें लिखना पड़ेगा वन अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है ये वन अपॉन ओमेगा सी, इसको कह रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से और इसे पढ़ते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। नाउ आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू वन। सो पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन मतलब ये वाली इक्वेशन। तो आई विल बी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। तो हम इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सपोज इसे हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन टू वेयर आई एम इज आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी। ठीक है, अब एक्स सी के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें आप नोट कर लीजिए, दैट एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा की वैल्यू पट कर दें तो टू पाई एफ सी और इसकी यूनिट होती है ओम। तो ये एक्स सी के बारे में फॉर्मूला हो गया कि एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसका फॉर्मूला वन अपॉन ओमेगा सी और वन अपॉन टू पाई एफ सी, यूनिट इसकी भी ओम होती है क्योंकि एक्स सी भी रेजिस्टेंस के एनालॉगस है बट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसे कुछ और नाम देना था, एक नाम ऑलरेडी दे चुके थे इंडक्टेंस के वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसको नाम दिया गया इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से जो रेजिस्टेंस जैसी क्वांटिटी आती है उसको नाम दिया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस जैसी क्वांटिटी है तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एनालॉगस है रेजिस्टेंस के। तो क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे कह नहीं सकते इसलिए नया नाम दिया गया रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस के वजह से आया इसलिए इसको नाम दिया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो अभी तक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। Where IM is VM upon XC। आप लोग ये नोट कर चुके हैं?
दिया। अब यहाँ पर वेव फॉर्म बनाते हैं हम लोग, जैसे कि अभी तक पढ़ी हुई दोनों सर्किट्स में बनाई थी हम लोगों ने, ओमेगा टी बी आई। ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप करंट की एक्सप्रेशन में 0 पुट करेंगे तो ये IM आएगी। इसी तरह से ओमेगा टी की वैल्यू आप पाई बाई 2 पुट करेंगे तो वोल्टेज VM एंड करंट पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी। फिर 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे आप तो वोल्टेज हो जाएगा माइनस, सॉरी 3 पाई बाई 2 बीच में कहाँ से आ गया, पहले पाई आएगा ना, तो पाई पुट करेंगे तो वोल्टेज फिर से हो जाएगा 0 और करंट हो जाएगी माइनस IM। ठीक है, देन 3 पाई बाई 2 तो वोल्टेज माइनस VM एंड करंट विल बी 0, एट 2 पाई वोल्टेज विल बी 0, करंट विल बी IM। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट से यहाँ पर जो आप डिफरेंस नोटिस करेंगे कि यहाँ पर करंट पहले पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुँच रही है, वोल्टेज बाद में पहुँच रहा है। करंट पहले 0 हो रही है, वोल्टेज बाद में 0 हो रहा है। तो इस वाले सर्किट में, यानी सर्किट में जब कैपेसिटेंस होगा सिर्फ कैपेसिटेंस, तो सर्किट की करंट वोल्टेज से आगे चलेगी, यानी कि लीड करेगी अप्लाइड वोल्टेज से। ठीक है, और कितना लीड करेगी तो ये सारे एंगल डिफरेंसेस को आप देखिए, तो ये एंगल डिफरेंसेस कितने हैं, पाई बाई 2। तो हम ये कहेंगे इक्वेशन 1 और 2 से ये कंक्लूजन ड्रॉ करके ये कहेंगे दैट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, द अप्लाइड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2, और इन अदर वर्ड्स करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो अब अगर हम इसे वेव फॉर्म के थ्रू शो करें, तो ये हो गई वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब हमें बनानी है करंट की वेव फॉर्म। तो हमने एक मैक्सिमम वैल्यू करंट के लिए मैग्नीट्यूड बना लिया और इस मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया कि ये IM है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है करंट का। अब हम करंट को बनाएंगे तो ओमेगा टी एट 0 करंट इज IM। तो जब ओमेगा टी 0 है तो करंट पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, दैट मीन्स यहाँ पर है, और जब ओमेगा टी पाई बाई 2 है तो करंट है 0, दैट मीन्स यहाँ पर है। तो करंट कुछ इस तरह से बनेगी। इसके बाद एट पाई करंट इज माइनस IM, तो एट पाई करंट इज एट माइनस IM, इस तरह से होगा। देन एट
थ्री पाई बाई टू करेंट इज जीरो, तो एट थ्री पाई बाई टू करेंट इज जीरो। नाउ अगेन एट टू पाई करेंट इज मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, तो एट टू पाई करेंट इज पॉजिटिव मैक्सिमम। तो कुछ इस तरह से करंट की वेवफॉर्म होगी जब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगा तब। तो इस वेव फॉर्म से भी आपको दिखेगा दैट करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय टू। आप किसी भी अंतराल में देखेंगे तो ये डिफरेंस पाई बाय टू होगा, यहाँ भी डिफरेंस पाई बाय टू, यहाँ भी डिफरेंस पाई बाय टू, यहाँ भी डिफरेंस पाई बाय टू। तो ये वेव फॉर्म हो गई अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की व्हेन देयर इज अ कैपेसिटर ओनली इन द सर्किट। वेव फॉर्म आप लोगों को समझ आई कैसे बनी है? बना लीजिए। अब जैसा कि पिछली क्लास में इसके बाद हम लोगों ने दूसरा टॉपिक पढ़ा था पावर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे पावर का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करेंट। दैट मीन्स वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सो पी आई इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो गई वी एम आई एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है जो इंडक्टर में आई थी, बस फर्क क्या था कि यहाँ माइनस वी एम आई एम बाई टू इंडक्टर के केस में था, यहाँ पे प्लस वी एम आई एम बाई टू है। और पावर की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर भी क्या आ रही है, ट्वाइस द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। टू ओमेगा टी अब हम इसी इंस्टेंटेनियस पावर को यहां पर सेम स्केल पर बनाएंगे, यानी वोल्टेज और करंट के साथ। तो ज़ीरो से लेके पाई बाई टू के बीच में, ज़ीरो से पाई बाई टू के बीच में अप्लाइड वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव साइकिल में है। पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो जो पावर की वेव फॉर्म है वो पॉजिटिव साइकिल में आएगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से पावर आएगी। जीरो पे भी पावर जीरो हो जाएगी, पाई बाई टू पे भी पावर जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी वोल्टेज और करंट में से जीरो हो जाती है। जैसे जीरो पर वोल्टेज
जीरो है, करंट मैक्सिमम है, और पाई बाई टू पे करंट जीरो है और वोल्टेज मैक्सिमम है, इसलिए पावर जीरो हो गई क्योंकि पावर दोनों का प्रोडक्ट है। इसी तरह से पाई बाई टू और पाई के बीच में वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल में है और करंट नेगेटिव साइकिल में है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट क्या देगा, प्लस वी इंटू माइनस आई, दैट मीन्स माइनस पावर आएगी। तो इस वजह से दैट मीन्स पावर की जो साइकिल है वो किधर गई, नेगेटिव साइकिल में। तो ये हो गई पावर की वेव फॉर्म। इसी तरह से पाई और 3π/2 के बीच में दोनों क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए पावर जो है वो आएगी पॉजिटिव। तो इस तरह से पावर की वेवफॉर्म आएगी पॉजिटिव। सिमिलरली 3π/2 से 2π के बीच में करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, इसलिए पावर की साइकिल आई नेगेटिव। तो यह हो गई पावर की वेव फॉर्म। अब इसमें आप जैसा देख रहे होंगे डायग्राम में कि ये साइकिल पॉजिटिव है, ये साइकिल नेगेटिव है, फिर से एक साइकिल पॉजिटिव और ये एक साइकिल नेगेटिव। वोल्टेज की हाफ साइकिल में पावर की एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, इसीलिए यहाँ मैथमेटिकली आ रहा है 2 ओमेगा, दैट इज पावर की फ्रिक्वेंसी ट्वाइस है अप्लाइड वोल्टेज के। अब जैसा कि पिछले क्लास में किया था, अगली चीज़ हमने क्या की थी, एवरेज पावर निकाली थी। तो एवरेज पावर यानी फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ वोल्टेज, दैट मीन्स 0 से 2 पाई तक, एक साइकिल तक जब सर्किट में हमने कंसीडर किया वोल्टेज और करंट फ्लो हुई, तो एवरेज कितनी पावर कंज्यूम हुई, तो इंस्टेंटेनियस पावर है Vm Im/2 sin 2 ओमेगा t। देखिए यहाँ हम पावर की एवरेज वैल्यू इस तरह से निकाल रहे हैं कि जब सर्किट में वोल्टेज और करंट एक साइकिल के लिए फ्लो करी तो पावर कंज्यूम कितनी हुई, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। इसीलिए टाइम पीरियड 0 से 2 पाई लिया, ठीक। अदरवाइज आप उस कंसेप्ट में चले जाएंगे जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि जो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होती है उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के निकालते हैं, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आती है। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं, सर यहाँ हाफ साइकिल के लिए क्यों नहीं लिया आप टाइम पीरियड। इसी का जवाब मैंने दिया कि यहाँ हमारा कंसेप्ट ये लग रहा है कि हमें फॉर अ वोल्टेज और करंट, जब वो एक साइकिल के लिए 0 से 2 पाई तक सर्किट में फ्लो किए तो कितनी पावर कंज्यूम हुई कैपेसिटर में, तो इसीलिए टाइम पीरियड 0 से 2 पाई लिया गया। और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 आएगा, Vm Im/2 1/2π टाइम पीरियड है बेटा, कैपिटल टी, ये भी है कैपिटल टी। पिछले वाले क्लासेस को देखो, क्लास में जो पढ़ाया था एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हमने लिखवाया था, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/T 0 to t फंक्शन dt। तो इस तरह से एवरेज पावर आप इंटीग्रेट करके निकालेंगे, sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करिएगा, उसके बाद ये 0 फाइंड आउट करिएगा। डायरेक्टली 0 मत लिख दीजिएगा, इन केस आपको एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए आ गया तो आपको इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा
माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और कॉस 2 ओमेगा टी की आप लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0, तो इससे आपको 0 मिल जाएगा जब आप इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम इसका फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर हमने वोल्टेज फेज़र को रेफरेंस लिया तो करंट फेज़र कहाँ बनेगी? वोल्टेज फेज़र से पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट लीड कर रही है ना कैपेसिटर के अक्रॉस। अगर हम देखेंगे तो करंट जो है वो 90 डिग्री लीड करेगी वोल्टेज से, और ये एंगल होगा पाई बाई 2। जो क्वांटिटी लीड करती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं रोटेट करके, इसलिए करंट ऊपर बनेगी। और अगर हमने करंट फेजर को रेफरेंस ले लिया तो क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा है इसलिए क्लॉकवाइज रोटेट होगा वोल्टेज फेजर, और एंगल पाई बाई 2 है। तो ये दोनों ही फेज़र डायग्राम सही हैं, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, आपसे कहा जाएगा अगर बनाने को तो। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आ भी चुका है, शो दैट एवरेज पावर डिमांड इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज 0, तो आपको फिर इंटीग्रेशन करके पूरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? दैट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अप्लाइड वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। फर्स्ट एंड नेक्स्ट इज पावर कंज्यूम बाई कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर इज 0। सर क्लास ले रहा हूँ। हेलो, सर क्लास ले रहा हूँ। KEE 201, KEE 2, ना सॉरी, थ्योरी का है KEE 201T और प्रैक्टिकल का KEE 201T, उसका भी टी है सर, दोनों में। तो आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है इस टॉपिक में अभी तक जो पढ़ाया? किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है।
अजय पांडे समझ आया बेटा आज जो पढ़ाया है?